जय श्री राम, जय हनुमान बाबा की जय। और मैं आज आपका फिर से स्वागत करता हूँ इस संपूर्ण सृष्टि ज्ञान चैनल में। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि भगवान विष्णु का एक नाम वामन भी है, तो वामन नाम कैसे पड़ा, तो यह वीडियो इसी बात को समर्पित है या इसी बात पर समर्पित है। तो चलिए शुरू करते हैं, पर पहले नमन करेंगे। जय श्री राम, जय हनुमान बाबा और भगवान विष्णु की। देखिए, हर नाम का कोई ना कोई अर्थ होता है, तो भगवान विष्णु का जो नाम वामन है उसका क्या अर्थ है पहले समझते हैं और फिर बताएंगे भगवान विष्णु को वामन क्यों कहा जाता है। देखिए, वामन का मतलब होता है छोटा कद, नाटा, बौना, लघु रूप, इतने अर्थ हैं। तो भगवान विष्णु को इसलिए कहा जाता है वामन क्योंकि भगवान विष्णु ने माँ अदिति के जब कोख से जन्म लिया था, तब जब वो बड़े हुए तो वे बहुत छोटे कद के थे, नाटे थे, एक प्रकार से बौने थे, इसीलिए उनका नाम वामन पड़ा। तो जब राक्षस बलि जो था उसने जब देखा वामन को या भगवान विष्णु को, तो उसे लगा कि ये मुझसे क्या मांगेगा। तो भगवान विष्णु ने के इस अवतार ने कहा था कि मैं बस तीन पग चलूँगा और जितनी ज़मीन मुझको मिलती है आप दे दीजिएगा। तो वो समझा कि अरे ये नाटा है, क्या चलेगा आगे। तो जब उन्होंने चलना शुरू किया तो उनका आकार बढ़ता गया, तो उन्होंने तीन पग में तीनों लोगों को अपने पास कर लिया था। तो इसीलिए उनका नाम वामन पड़ा, इसीलिए उनको वामन अवतार भी कहते हैं। हमने बहुत संक्षेप में या बहुत छोटे बताया है आपको, पर आपको समझ में आ गया होगा कि वामन का अर्थ क्या है और भगवान विष्णु को वामन क्यों कहते हैं। तो भगवान विष्णु के इस नाम का एक मंत्र भी है, वह है ओम वामनाय नमः। पढ़ना कैसे है? ओम वामनाय नमः, ओम वामनाय नमः। इस प्रकार से भगवान विष्णु के इस मंत्र को पढ़ सकते हैं और मंत्र कम से कम 15 से 20 मिनट आँख बंद करके पढ़ें। और मंत्र पढ़ने से पहले भगवान गणेश का नाम 5, 7 या 11 बार जरूर लें। पीले आसन पर बैठें, पीला वस्त्र जरूर धारण करें और धूप बत्ती जरूर जलाएं, हो सके तो घी का दिया भी जलाएं। तो देखिए, आज हमने आपको बताया कि भगवान विष्णु को वामन क्यों कहा जाता है। तो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करिएगा और अब हमें आज्ञा दीजिए, पर एक रिक्वेस्ट है कि शेयर करिएगा, लोगों को बताइएगा। तो जय श्री राम, जय हनुमान बाबा।